तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि रिलायंस का जो कंपनी है जियो के नाम से 2016 में इंडिया में सबसे पहले 4G इंटरनेट सर्विस स्टार्ट किया था और इसने आपको फ्री में 4G सिम भी प्रोवाइड किया था और इसके साथ आपको 1 ईयर तक अनलिमिटेड टॉक टाइम और 4G डाटा मिला था। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको और एक खुशी का बात बताने जा रहा हूँ। तो वो खुशी का बात यह है कि जियो के जो CEO है वो इस साल DTH सर्विस लॉन्च करने का डिसीजन लिए थे और उन्होंने मई 3, 2018 को DTH सर्विस लॉन्च कर दिया है और इसका बुकिंग भी चालू हो चुका है। तो दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में आपको इस सेटअप बॉक्स का स्पेसिफिकेशंस और इसका प्राइसिंग और इसके साथ आपको क्या क्या DTH प्लान्स रहेंगे और इसे आप कैसे और कहाँ से बुकिंग कर सकते हैं वो सब मैं इस आगे के वीडियो में डाल दूँगा। तो इस वीडियो को आखिर तक देखते रहिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंकित जैना, आप देख रहे हैं टेक्निकल वाइज। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये है हमारा जियो सेटअप बॉक्स का बॉक्स, देख लीजिए। तो अब मैं आपको इसका सेटअप बॉक्स और रिमोट दिखा देता हूँ। तो दोस्तों, ये है हमारा जियो का सेटअप बॉक्स। यहाँ पे आपको फ्रंट में USB पोर्ट मिला हुआ है, देख सकते हैं। तो अभी मैं आपको इसका रिमोट दिखा देता हूँ। तो ये है हमारा जियो का रिमोट और अब मैं इस बॉक्स का बैक व्यू दिखा देता हूँ। और अभी मैं आपको इसका एंटेना का फोटो दिखा देता हूँ। तो दोस्तों, अब मैं आपको इस बॉक्स का स्पेसिफिकेशन और प्लान्स और प्राइस के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो दोस्तों, ये हमारा जियो DTH का स्पेसिफिकेशंस। इसमें आपको HDMI सपोर्ट मिलता है और साथ में आप इसमें 4K या अल्ट्रा HD वीडियोस देख सकते हैं और इसके साथ आपको वाईफाई और ब्लूटूथ ऑप्शन भी मिला है और इसका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो है आपका Android TV। तो आप सोच पा रहे होंगे कि इसे यूज़ करना कितना आसान होने वाला है और इसके साथ आपको Google Chrome कास्टिंग भी मिला है और यहाँ पे आपको बाकी सारे स्पेसिफिकेशंस मिलते हैं, तो आप उसे देख लीजिए। और इसका जो रिमोट कंट्रोल है वो इन्फ्रारेड या ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी और माइक्रोफोन से चलता है। इन्फ्रारेड से आप इसे मोबाइल से कंट्रोल और ब्लूटूथ से भी आप इसे मोबाइल से कंट्रोल कर सकते हैं और इसका जो ऑडियो आउटपुट है वो आपका Sony Philips डिजिटल इंटरफेस फॉर्मेट है। तो अब हम इसका प्लान्स देख लेते हैं। तो दोस्तों, ये है आपका जियो DTH का प्लान्स। इसका जो नॉर्मल पैक है वो आप देख सकते हैं कितना सस्ता है। यह आपको 49 और 55 रुपीज़ के बीच में अवेलेबल है और इसका जो ऑल स्पोर्ट्स चैनल है वो आपको 60 से 69 रुपीज़ में आता है और वैल्यू प्राइम चैनल्स इसका 120 से 150 रुपीज़ में आता है और किड्स चैनल्स 188 से लेकर 190 तक के बीच में आता है और इसका जो माई फैमिली पैक है वो आपको 200 से 250 रुपीज़ तक मिलता है और माई प्लान आपको 50 से 54 रुपीज़ में अवेलेबल है और माई स्पोर्ट्स आपको 159 से लेकर 169 रुपीज़ के बीच में आता है। इसका जो बिग अल्ट्रा पैक है वो आपको 199 से 220 रुपीज़ तक का है और इसका जो मेट्रो पैक है वो आपका 199 से लेकर 250 रुपीज़ तक के बीच में आता है और इसका जो धूम पैक है वो आपका 99 से 109 रुपीज़ तक का आता है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए कि ये जो DTH प्लान है सबसे चीप DTH प्लान में से है। आपको ऐसा और कोई DTH प्लान इतना कम रेट में नहीं मिलेगा। तो दोस्तों, अभी मैं इस आगे के वीडियो में आपको ये बताऊंगा कि इसका बुकिंग का कॉस्ट कितना रहेगा और इस DTH का प्राइस कितना रहेगा और इसके साथ आपको ये भी बताऊंगा कि आप इसे कैसे और कहां से बुकिंग कर सकते हैं। तो इस वीडियो को आगे तक देखते रहिए। तो दोस्तों, अभी इसका बुकिंग कॉस्ट और DTH का प्राइस के बारे में जान लेते हैं। तो इसका जो बुकिंग कॉस्ट है वो अभी आपका 499 रुपीज़ रखा गया है और इस DTH का प्राइस आता है 1599 यानी कि 1600 रुपये। और दोस्तों, इसमें बताया जा रहा है कि जो बुकिंग प्राइस है वो आपका DTH के प्राइस में से माइनस कर दिया जाएगा और ये DTH बॉक्स आपको June 15 तक डिलीवर हो जाएगा। तो दोस्तों, आपको इस DTH बॉक्स के सिर्फ 1200 रुपये ही देने पड़ेंगे और इसके साथ आपको 450 चैनल्स नॉन HD में मिलेगा और 50 चैनल्स HD चैनल्स में मिलेगा। और दोस्तों, ये सब चैनल्स आपको 1 ईयर तक फ्री में मिलेगा। और दोस्तों, मुझे ये भी पता चला कि इसका जो इंस्टॉलेशन कॉस्ट है वो सब कुछ मिलाकर आपको रुपीज़ 2000 तक का आएगा जो कि रिफंडेबल प्राइस है।
आपको सिर्फ इतना करना है कि जब आपका 1 ईयर सब्सक्रिप्शन जो फ्री है वो ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद आपको मंथली ₹300 का पैक डालना पड़ेगा। आपके इस रेगुलरली ₹300 रिचार्ज करने पर आपको 1 साल के अंदर अंदर जितना भी इंस्टॉलेशन कॉस्ट है वो आपको रिफंड कर दिया जाएगा। और दोस्तों, अभी हम जान लेते हैं कि आप इसे कहाँ और कैसे बुकिंग कर सकते हैं। इसे बुकिंग करने के लिए मैंने जो मेरे डिस्क्रिप्शन पर लिंक प्रोवाइड किया है वहाँ पर क्लिक कर सकते हैं, या वेबसाइट पर जाकर वहाँ पर आप जियो DTH ऑनलाइन बुकिंग सर्च करके उस वेबसाइट पर जाइए और वहाँ पर आपको एक टैब मिलेगा जियो DTH बुकिंग, तो वहाँ पर आप क्लिक कर दीजिए और आप अपना नेम, एड्रेस और बाकी सारे डिटेल्स प्रोवाइड कर दीजिए, फिर पेमेंट कर दीजिए क्रेडिट या डेबिट कार्ड से, और इसके बाद आपको एक डिलीवरी कन्फर्मेशन आ जाएगा और फिर आपको जियो के जो कस्टमर सर्विस है वहाँ से कॉल आएगा कि ये सामान आपको कब तक डिलीवर हो जाएगा। या आपके पास दूसरा ऑप्शन ये है कि आप जिस टाउन या सिटी में रह रहे हैं वहाँ के जो जियो के डीलरशिप है वहाँ पे आप जाकर जियो के DTH के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी हमारे जियो DTH के बारे में, और प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और मेरे इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिए। तो दोस्तों, मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो पर।